हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो फ़ोन आया है वो ये सैमसंग का A7 है, जिसमें ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है आगे से भी ब्रेक हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्रैक है, तो हम एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखो, ऑन हो चुका है, लेकिन क्या है कि वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका है। तो हम इसको, इसका डिस्प्ले किस तरीके से चेंज करना है पूरे फोन का, क्योंकि आजकल जो नए फोन आ रहे हैं उनमें कन्फ्यूजन रहता है कि बैक पैनल खोलना है या आगे से हमको खोलना है, क्योंकि सैमसंग के फोन में ये प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमको जो निकालना है ये बैक पैनल है, इसको हमको निकालना है। तो इसको हमको क्या करना है, हीट मशीन से इसको हीट को हमको 4 पर रखना है, और हीट को 4 पे रखने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा हमको इसे घुमाना है। देखो, तो वैसे मैंने इसको पहले थोड़ा हीट कर लिया है, एक बार और हल्का सा हीट कर लेता हूँ मैं, ताकि क्या है कि हमारा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको मशीन पर रखा था तो ये पीछे से ऑलरेडी हीट हुआ हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको और हीट कर लेते हैं, ताकि क्या है कि हमारा ये बैक पैनल जब हम निकालें तो ये हमारा क्रैक ना हो, क्योंकि ये जो बैक पैनल है ये हमारा कांच का है। तो एक बार हम इस बैक पैनल को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये बैक पैनल बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद एक बार हम ये जो स्क्रू हैं, ये जो बैक पैनल खोलने के बाद आपको ये स्क्रू बाहर निकालने हैं, जो जो हमें स्क्रू दिख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि आपको अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लगाना सीखना है किस तरीके से लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं, ज्यादा इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे घर पे जो एयर वो हेयर ड्रायर जो होता है उससे भी हम इस चीज को पीछे से हीट करके इसका हम बैक पैनल निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने ये इसके और ये स्क्रू ड्राइवर आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, वरना आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ये स्क्रू आपको निकालना है, स्क्रू निकालने के बाद, क्योंकि देखो हर चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो आप आसानी से आप ये कॉम्बो लगाना सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये बस इस ध्यान रखना है कि हमको पहले क्या करना है, कौन सी चीज निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले का जो लोग ये मिडल जो होता है, मिडल भी खुलता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट कई बार क्या है कि मिडल खोलना पड़ता है, कई बार ये खोलना होता है, तो लोग क्या है कि कई बार ये इसके खोलने की जरूरत नहीं होती है ओपन की, फिर भी इसको लोग निकाल देते हैं, फिर हमको बाद में पता चलता है कि इसको निकालने वो बैग पूरा ये पूरा एक साथ निकलता है। तो उस तरीके से हमको क्या है, ये देखिए, हमने ये हमारे स्क्रू बाहर आ चुके हैं, स्क्रू हमारे बाहर आ चुके हैं, और इसके बाद हमको ये इसमें सिम लग रही है, तो ये बाहर निकालेंगे इसको हम, तो एक बार हम ये सिम निकाल लेंगे इसकी, इसमें सिम लगी हुई है। देखिए, सिम निकलने के बाद हमको क्या करना है गाइस, अगर आपके पास, वैसे तो हम नाखून से भी निकालते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी देखिए, हमारा ये बैक पैनल बाहर आ चुका है, हमने इसको निकाल दिया है। निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे से हिट करेंगे डिस्प्ले को, इसको हमको किनोर किनोर को थोड़ा सा बीच बीच में सेंटर में हिट करना है, ताकि क्या है कि हमारा जो ये गर्म होकर के बाहर आ जाए, क्योंकि आपको बाउंड्री के वहां नहीं देना है, क्योंकि आपकी बाउंड्री क्या है कि जल सकती है। ये जो अगर आपने किनोरी किनोरी पर अगर आप ज्यादा हीट देंगे, क्या है कि इससे बेहतर है, तो क्या है आपको हीट करते रहना है। इस तरीके से आपने ये हमने इसको हीट कर लिया है, देखते हैं हमारे जैसे, तो ये डिस्प्ले इसका खराब है, पहले हमको ये पीछे से ये इसकी क्लिप को निकाल लेना है, ताकि हम क्या है कि हमारा अगर डिस्प्ले निकालें, डिस्प्ले ये निकालने के लिए आपको एक इसका एक कवर आता है, मैं आपको बता देता हूँ,
आपको ये जो डिस्प्ले है, देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको निकालना है। इसमें एक आपको इस तरीके का एक पत्ता लेना है, वो पत्ता लेकर के इसमें आपको ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से इसको अंदर डालना है और इसको धीरे धीरे ऐसे करके इसको, ताकि क्या है कि आपके डिस्प्ले के ऊपर, ये मैं आपको इसलिए, तो खैर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम हमारा जब डिस्प्ले का ऊपर का टच खराब होता है तो हम, और अंदर का अगर डिस्प्ले सही होता है तो हमको इसी तरीके से आराम से निकालना होता है ताकि हमारा जो अंदर का डिस्प्ले है वो फूटे नहीं। ये देखिए हमारा कितना आसानी से बाहर आ चुका है, ये हमारा डिस्प्ले बाहर आ चुका है। इसको अब हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। इसको हमको थोड़ा सा क्लीन करना है। क्लीन के लिए आपको चिमटे का यूज करना है। ऐसे चिमटे आपको मिल जाए तो ऐसे चिमटे से आपको, क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से इसको क्लीन करेंगे उतने ही अच्छा ये आपका डिस्प्ले चिपकेगा और अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो आपको इसी तरीके से, ये देखिए अब मैं जो ये ग्लू हटा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से आसानी से भले धीरे धीरे आपको निकालना है ताकि हमारे ये जो फ्रेम की गुनोर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से जने इसको निकालते हुए जोर देते हैं तो ये हमारे साइड की गुनोरी टूट जाती है। तो आपको बहुत, देखो मैं कितने आसानी से और धीरे धीरे इसको निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको ये जो इस पे ग्लू लगा हुआ है इसको रिमूव करना है। इसी तरीके से आप इसका ग्लू को रिमूव करेंगे। ये ग्लू हमारा रिमूव हो चुका है। ये हमने यहां से निकाल लिया है। इस तरीके से इसको साफ करना है। गाइस आप वीडियो पूरा देखें ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप ये देखेंगे कि हाँ इस तरीके से साफ करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो आपको इस तरीके से एक ग्लू साफ करना है लगभग हमारा ये ग्लू। अगर आप देखो, आप मैंने इसको अच्छे से हीटिंग किया है तो हमारा जो ग्लू है वो भी साफ अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। और लोग क्या है कि, मतलब बहुत से जने क्या करते हैं कि ज्यादा हीट करते, तो ज्यादा हीट करने के बाद क्या है कि डिस्प्ले भी खराब रहने का रिस्क रहता है और उसके बाद हमारी जो फ्रेम होती है ये भी हमारी जल जाती है। तो आपको क्या है कि हल्का सा हीट करना है और इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे करके इसको निकालना। तो ये हमारा ग्लू आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से बाहर आ चुका है। ये देखिए आपको ग्लू, आपको बहुत तरीके से, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या सेंसर होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा जो ग्लू होता है, अब इसके पास में सेंसर है, तो आपको जो ये आप साफ कर रहे हो ये इसका जो चिमटी है ये इसके सेंसर पे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही, देखिए ये जो पास में जो इसका ये लगा हुआ है ये सेंसर है। जब हम फोन पे बात करते हैं और वो लाइट एकदम बंद या चालू जो होता है वो इसी कारण से होता है कि ये सेंसर सिस्टम होता है। तो हमको यहाँ से भी बहुत तरीके से और आराम से धीरे धीरे इसको क्लीन करना है। ये देखिए हमने इसको यहाँ से इसको हटा दिया है। देखिए हमारा यहाँ से भी ये क्लीन हो चुका है। देखिए हमने ये हमारा एकदम यहाँ से क्लीन हो चुका है। ये इसको हम निकाल लेते हैं।
इसके ऊपर जो हमारा जो कैमरा है, कस्टमर का कहना है वो कैमरा भी इसका मतलब धुंधला आ रहा है, तो इसको हम कैमरे को किस तरीके से साफ करते हैं कैमरे पर, हम कैमरे को गाइस इनको ध्यान रखना है, पेट्रोल कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कैमरा जो होता है वो लेंस होता है, इसको हल्का सा पानी में लगा करके इसको क्लीन करना है, यूं ऐसा करके इस तरीके से इसको घुमाना है। ये देखिए गाइस, हमने इसको एक बार, आप देख सकते हैं हमारा साफ हो चुका है कैमरा, तो इस तरीके से आपको क्लीन करना है। ये हमने इसको क्लीन कर दिया है, अब हम इस पर लगाएंगे ग्लू। ग्लू है व्हाइट वाला, अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं व्हाइट वाला ही यूज करता हूँ, तो आपको ग्लू इस तरीके से लगाना है। देखिए एक ही लाइन में इसको धीरे धीरे लेकर के आना है, क्योंकि देखो हमारा कहीं हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, और एक तरीके से लग रहा है क्योंकि हमारा जो ग्लू है वो एकदम सही तरीके से क्लीन हो चुका है। अगर कहीं पे भी ग्लू लगा हुआ होता तो ये हमारा एग्जैक्ट तरीके से ग्लू हमारा नहीं लगता, क्योंकि ये देखो आप एकदम फिक्स तरीके से ये हमारा लग रहा है, तो हमको ये इसी तरीके से ये ग्लू लगाना है। ये हमारा ग्लू लग चुका है गाइस, तो अब हम एक बार इसको, हमारे पास इसका डिस्प्ले रखा हुआ है, तो हम ये डिस्प्ले आपको लगा करके बताएंगे। ये डिस्प्ले लगाने से पहले हमको क्या है कि इस सील्ड को हटाना है, यहाँ से ऊपर जो सील लगी हुई है यहाँ से हमको इसको हटा दिया हमने, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो इसकी प्रॉपर आए। और गाइस करना क्या है कि हमको ये वाला इसको फ्लैक्स को इस तरीके से अंदर लगाना है, और इससे करके इसको इस तरीके से रखना है इसको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो हमने एक बार फिक्स कर दिया है इसको, तो हमारा ये डिस्प्ले इसको इस तरीके से इसको फिट करना है, इसको ऐसा हमने लगाना है। जब हमने इसको फिक्स कर दिया है, फिक्स करने के बाद गैस इसको हमको एक बार इसको हमको इसी तरीके से एक बार हमको हमारा गैस फिक्स हो चुका है, और हम इसको एक बार स्क्रू लगा लेते हैं इसके, ताकि क्या है कि ये मतलब जब तक ये सूखेगा तो हमको इसको ऊपर क्या है कि रबड़ लगाना होगा, तो ये सूख जाए उससे पहले हम एक बार इसको स्क्रू लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जगह फिक्स करके, फिक्स करने के बाद आपको एक ही लेवल में इनको स्क्रू को लगाना है, ताकि हमारा जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो इधर उधर खिसके ना, तो अगर एक जगह बैठा रहेगा तो उससे क्या है कि हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी, और तब तक वो हमारा एक जगह फिक्स बैठ जाएगा। तो हमको स्क्रू लगाना है इस तरीके से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमारा डिस्प्ले, अगर हमारा डिस्प्ले ऑन हुआ है या नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले ही फूटा है, तो हमने डिस्प्ले, क्योंकि हम जब इसको ऑन कर रहे थे तो ये वाइब्रेशन हो रहा था और इसमें डिस्प्ले शो नहीं कर रहा था, और उसके बाद क्या है कि इसका जो डिस्प्ले है वो भी ऊपर से क्रैक हो रहा था, और ये यहाँ से ये क्रैक हो रहा था, आप देख सकते हैं इस जगह से क्रैक हो रहा था, यहाँ से ही इसका जो होता है वो फ्लैक्स पता है यहीं से इसकी सप्लाई आती है, तो यहाँ से क्रैक ऊपर से अगर एक बार क्रैक हो जाता है तो फिर भी हमारा डिस्प्ले चल जाता है, क्योंकि नीचे तो क्या है कि ये फ्लैक्स होता है, तो यहाँ से फूटने के कारण क्या है कि हमारा डिस्प्ले खराब होना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है जो फ्लैक्स केबल की जो मेन केबल होती है वो होती है, तो वो खराब होने के बाद फिर हमारा डिस्प्ले में कुछ भी
शो नहीं करता है क्योंकि सारे ग्राफिक्स होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं ये फ्लैक्स खराब होने के बाद। तो एक बार गैस हम इसको लगा दिए हैं, आपको इसी तरीके से इसको रखना है और एक बार हम बटन दबा करके इसको चेक करते हैं। ये देखिए गैस हमारा डिस्प्ले प्रॉपर लग चुका है। तो इसी तरीके से गैस आपको डिस्प्ले लगाना है और ये सब इसको इसी तरीके से पैक कर इसलिए ग्लू लगा करके इसको पैक करके रबड़ लगा के उनको रखना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।